दिनेश, ये है अपनी गद्दी, जो कुछ कमाया यहीं से कमाया। बटुक भाई। जी सेठ जी। दिनेश की इच्छा है कि ये गद्दी पर काम करे, आज से ये यहीं बैठेगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है सेठ जी। नमस्ते दिनेश। नमस्ते जी। बाबूजी, आप कहाँ बैठते हैं? मैं यहाँ बैठता हूँ। अच्छा, और मैं कहाँ बैठूंगा? राधेश्याम यहाँ बैठता है। नहीं था। तुम यहाँ बैठोगे मेरे पास, तुम्हें काम भी तो समझाना होगा। जी बाबूजी। राधेश्याम और सुभाष को गद्दी पर बैठना पसंद नहीं था। कहते थे ये गद्दी बहुत पुरानी हो गई है, नया ऑफिस खरीदेंगे जहाँ केबिन होगा, टेबल होगा, कुर्सियाँ होंगी। पर ये जगह छोड़ने का मेरा कभी मन नहीं था, लेकिन अगर तुम कहोगे तो। नहीं बाबूजी, मुझे आपकी ये गद्दी बहुत अच्छी लगी, बहुत अपनाइयत है यहाँ, जहाँ सब साथ में बैठकर काम करते हैं। अच्छा, कभी अगर आप भी चाहें ना तो मैं आपको ये गद्दी बदलना नहीं दूंगा। आओ फिर, आज से ही तुम्हें काम सिखाना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हिसाब किताब की पोथी से। इसे चौपड़ी भी कहते हैं। जी बाबू जी। हाय अमिता, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वेटिंग फॉर समबडी? हाँ, किसी का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो नहीं आएगा। क्या मतलब? मतलब ये बेबी कि पुलिस ने विजय को गिरफ्तार कर लिया है। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? रिलैक्स अमिता, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। भाई विजय पर इल्जाम है कि उसने प्रीति और दिनेश का खून करवाने की कोशिश की थी, और पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं कि विजय का बचना तो बहुत मुश्किल है। सर, अब मेरी तुमसे यही राय है बेटी कि इस मामले से दूर रहो वरना खामोखा मर जाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। Take care. Bye. Hi. Dinesh, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लेकिन तुम डरी क्यों? किसकी मजाल है जो इस तरह तुम्हें अपनी बाहों में भर ले? बहुत अच्छी लग रही है। मुझे पता है। मैं तुम्हें बहुत 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 चाहता हूँ। मुझे ये भी पता है। तो क्या तुम्हें ये भी पता है कि तुम भी मुझे बहुत चाहती हो? अगर मुझे नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? चलो मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। दिनेश, दरवाजा खुला है, कोई एकदम से आ गया तो? आने दो। पहले जिनसे डर लगता था हम वो तो जाने लगे हमें, और अगर जो कोई आया भी तो उसे देख कर कितनी खुशी होगी कि हम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। एक राज की बात बताओ तुम्हें। बताओ। मैं तुम्हें पहले से ज्यादा जाने लगी हूँ। अच्छा, वो क्यों? तुमने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया, तरक्की मिल रही थी उसे भी ठुकरा दिया, मम्मी और बाबूजी की खुशी के लिए तुमने ये सब किया, तुम चाहते हो हम सब एक साथ रहे, है ना? नहीं प्रीति, ये सब मैंने अपने खातिर किया है, क्योंकि मैं इन सबके साथ रहना चाहता हूँ। आखिर यही तो मेरा परिवार है, अब इन सबसे दूर मैं नहीं रह सकता। तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी। चलिए आप यहाँ बैठिए। Thank you.
था। कैसी हो? ठीक हूँ। बैठो। कहाँ मिलने का वादा किया था और कहाँ मिल रहा है? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी आने की, लेकिन तुमसे मिलना था इसलिए चली आई। I'm sorry. I'm really sorry for whatever happened. No, Amita. Don't feel sorry. जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। तुम उदास मत हो। मैं बहुत जल्द यहाँ से रिहा हो जाऊंगा। मैंने सनी से बात की है, वो मेरी जमानत का इंतजाम कर देगा। वो कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा वो। अगर तुम उसके भरोसे रहोगे ना तो तुम्हें रिहाई कभी नहीं मिलेगी। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, वो मुझसे मिलने क्लब आया था। उसे देखकर लग रहा था कि उसे तुम्हारी गिरफ्तारी का जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि वो तो बहुत खुश लग रहा था। कह रहा था कि प्रीति और दिनेश को मारने की कोशिश की है तुमने, इसलिए मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए, वरना मैं भी किसी मुसीबत में फंस सकती हूँ। नहीं अमिता, ऐसा नहीं हो सकता। उसने तो मुझसे वादा किया था कि... झूठा वादा किया था उसने तुमसे। मेरा यकीन करो, मैं वही दोहरा रही हूँ जो उसने कहा है मुझसे। देखो विजय, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उस पर डिपेंडेंट रहो। तुम्हारे वकील का इंतजाम, तुम्हारे रिहाई का इंतजाम मैं करूंगी तुम्हारे लिए। विजय, मैं जानती हूँ कि तुम बेकसूर हो और तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं। चलती हूँ मैं, लेकिन दोबारा आऊंगी तुम्हारी रिहाई का ऑर्डर लेकर। बाय। बाय। सिंह साहब, आप ना बुलाती तो भी हमें आपसे मिलने तो आना ही पड़ेगा। अच्छा, सो क्यों? ये क्या खास वजह? ये है कि आप बहुत खास, अ वेरी स्पेशल पर्सन। हमने सुना था कि जो औरतें खूबसूरत होती हैं वो अकलमंद नहीं होती, लेकिन आप तो खूबसूरत भी हैं। क्या बात है सिंह साहब, अचानक आप मेरी खूबियां क्यों गिन रहे हैं? वो इसलिए कि जब भी कोई मुसीबत आन पड़ती है आप उससे इतनी खूबसूरती के साथ निपटती हैं, वाह काबिले तारीफ है। अब देखिए ना, विजय आपको रास्ते से हटाना चाहता था लेकिन आपने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। आपको तो कोई हार नहीं लगा सका, अब वो बेचारा सलाखों के पीछे खड़ा है। सिंह साहब, और मुसीबत के वक्त आपने भी तो मेरी बहुत मदद की थी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको इस बात का एहसास तो है। हेलो, अब मुझे ये बताएं, मैंने जो आपकी मदद की उसके बदले में आप मुझे क्या देंगी? आपको क्या दूंगी? मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है सुमित्रा देवी, विजय को अगर चंद बरसों की सजा हो गई तो फिर आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीनने वाला कोई नहीं होगा। जो बेचारा खुद ही मुसीबतों का मारा वो औरों को क्या मारे? आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? अपना हिस्सा चाहता हूं। देखिए सिंह साहब, जिस दिन विजय को सजा मिल जाएगी ना, आपको अपना हिस्सा मिल जाएगा। आप मुझ पर यकीन करिए, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी।
मैं किसी पर यकीन नहीं करता। अक्सर ऐसे मामला लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। जुबानी जमा खर्च में बात नहीं बनेगी। तो क्या करें? स्टैंप पेपर पे लिख के दो। स्टैंप पेपर पे ना सही, फिलहाल इस छोटे से कागज पर दस्तखत कर दीजिए। ओ, जो मिलेगा उसके आधे हिस्से की उम्मीद रखते हैं आप? लूट का माल हमेशा आधा आधा बांटा जाता है। सुमित्रा देवी, साइन कीजिए। आपके ये दस्तखत हमारे लिए बड़े कीमती हैं। आपकी मुस्कुराहट बड़ी मीनिंगफुल है। क्या चल रहा है इस वक्त दिमाग में? अकलमंद इंसान जो सोचता है ना, वो किसी को बताता नहीं है। हेलो 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 राधे श्याम ने नाश्ता कियो? नहीं, वो बाद में करेगा। क्यों, आजकल हमारे साथ क्यों नहीं बैठता हो? वो आपसे नाराज है। उसका नया कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन आप कभी उसके बारे में पूछते ही नहीं। हमारे पूछने की राय क्यों देखता है वो? हाँ, जो काम वो कर रहे है उसके बारे में बताना का उनको फर्ज नहीं है? मित्तल ने कुछ रुपये क्या दे दिए, हवा में उड़ने लग गया है। आपको इस बात की नाराजगी है ना कि उसने किसी और की मदद क्यों ली? लेकिन आप गुस्सा मत होइए, अपनी मेहनत से कारोबार कर रहा है, उसकी हिम्मत बढ़ाइए। हमारे साथ गद्दी पर ढंग से काम कर तो 10 गुना ज्यादा रुपये कमा तो, लेकिन उस बेवकूफ में इतनी अकल ही नहीं है। क्या हाल है पुरुषोत्तम? कैसी हो बहू रानी? मैं ठीक हूँ। आ भाई, आ जाओ अंदर। पहचाना इसे? ऐसे पहचानक भी कैसे, बहुत छोटा सा जब देखा था इसे। बेटा है मेरा बिरजू। हमेशा कहता था मुझे साथ ले चलो, साथ ले चलो, इस बार ले आया। कोई नजर नहीं आ रहा, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? आप अचानक कैसे चले आए? आपने तो कहा था कि लौट कर कभी नहीं आएंगे। हाँ भाई, कहा था, उस वक्त मैं गुस्से में था, लेकिन भाई भाई से जुदा हो सकता है क्या कभी? और फिर ये भी अपने भाई बहन से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। और रानी, अगर बच्चे घर पे तो बुलाओ उन्हें। जी, अभी बुलाती हूँ। पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है मेरा बेटा, हमेशा अव्वल आता है। अच्छा, कुछ दिन यहां रहेगा तो मैं भी अंदाजा हो जाएगा कितना लायक है ये। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये चुप है, ज्यादा बोलता नहीं है क्या? पिताजी ने सिखाया जब बड़े बोल रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। देखा पुरुषोत्तम, ये सीख दी है मैंने इसे। ताऊ जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक। नमस्ते ताऊ जी। और जितना अच्छा लग रहा तुम्हें देख के। ये मम्मी ने मुझे बताया। शादी मुबारक हो। थैंक यू। थैंक यू। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप लोग की सोबत में रहकर और अच्छा बनना चाहता हूँ। बिटिया, जरा हमारा कमरा खुलवा दो, सफर की थकान है, कुछ आराम करना चाहते हैं। जी आइए।
ये लोग क्यों आए हैं यहाँ? मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं हुआ। नमस्ते विशाखा जी। नमस्ते राधेश्याम जी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप तो अंदर आ चुके हैं, वैसे भी घर तो आप ही का है। घर भी मेरा, घरवाली भी मेरी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप यहाँ बैठिए और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करूंगी तो कोई बदमाशी तो नहीं करोगे ना? जरूर करूंगा, लेकिन अभी नहीं, सारे रीति रिवाज और रस्मों को निभाने के बाद। आपकी पलकों की चिलमन को थोड़ी देर बंद कर लीजिए। अब आगे खोलो। हाय, ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये तोहफा देने का ख्याल कहाँ से आया आज अचानक मन में? ये तोहफा नहीं है, ये सगाई की अंगूठी है। आज हमारी सगाई हो गई, अब आगे का कदम ये है कि तुम मुझे वरमाला पहनाओगी और मैं तुम्हें मंगलसूत्र। क्या हुआ, शादी के नाम से तुम चुप हो गई? तुमसे कुछ कहना है, सुनकर उदास तो नहीं होगे? तुम शादी से इनकार कर रही हो क्या? शादी से इनकार क्यों करूंगी, लेकिन एक समस्या है, विजय और मेरी तलाक नहीं हुई अभी तक, और मुझे नहीं लगता विजय तलाक देने के लिए राजी होगा। राजी कैसे नहीं होगा? तुम्हारा और उसका रिश्ता कब से खत्म हो चुका है? तलाक नामे पर मैं उसके दस्तखत लेकर आऊंगा। तुम ला सकोगे? तुम्हारे लिए मैं आसमान से तारे तोड़कर ला सकता हूँ, तुम्हें पाने के लिए मैं सब दरवाजे तोड़ दूंगा। तुम घबराना मत विशाखा, हमारी शादी होकर रहेगी। अब तुम मुझे अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी करो। सगाई मुबारक हो। सगाई हुई है, शादी नहीं। बरखुरदार, कैसा लगा चौधरी का घर और उसका परिवार? अभी पूरे परिवार से भेंट हुई, कहाँ है सुभाष और राधेश्याम, बाकी है? वो दोनों तो पल्ले नंबर के अहमक हैं। सुभाष ससुराल की रोटियां तोड़ने में लगा हुआ है और राधेश्याम बाप का धंधा छोड़ के दर दर की ठोकरें खा रहा है, इसलिए तेरा भविष्य मुझे उज्ज्वल नजर आता है। आपको पूरा विश्वास है पिताजी, जैसे आप सोच रहे वैसे ही होगा? मैं जैसे सोचता हूँ वैसा ही होगा। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तू चौधरी के बिजनेस का भागीदार जरूर बनेगा, और जब वो दिन आएगा मेरा सपना साकार होगा।